फंक्शंस, रियल फंक्शंस क्या होते हैं, कौन बताएगा? सर, व्हेन बोथ रेंज एंड डोमेन आर इधर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये क्या है, बृहत अरोड़ा है, क्या नाम इनका, बृहत या कुछ और? नोटबुक लेने गया था, एक मिनट आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटे, मैंने ग्रुप पे फोटो भेज दी। अच्छा, भेज दिया आपने, एक मिनट बेटे बस। ओके, आपने सर ने आपको ये करवाया, ये करवाया। अच्छा, रियल फंक्शंस की डेफिनेशन सबको पता है? Yes, कोई बच्चा बता रहा है रियल फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा ये बताओ, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन, परीक्षित को बोलना एक बार यहाँ, रियल वैल्यूड फंक्शन। बेटा एक छोटा काम कर दो ना, मेरा वो वाला डेस्कटॉप एक बार उतार के लेके आ, यहाँ रख के एक बार कनेक्टिविटी कर दो, दो मिनट का काम है, फिर चले जाना आप। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन बता, बच्चा बताएगा रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा। सर रियल वैल्यूड फंक्शन में मतलब रेंजेस अ सेट ऑफ रियल नंबर्स और अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर, या तो सेट ऑफ रियल नंबर या फिर एनी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। बेटा मैं मम्मी को बुला लूँ, थोड़ी हल्की सी जगह बनवानी पड़ेगी, ठीक है ना? सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर, मुझे एक बार इसको हेल्प कर देना, थोड़ी गिर जाएगा, बेड पे रखो यहाँ, थोड़ा हेल्प करो देना, हिस्सा बैठा के एक बार यहाँ रखवा दो इसको, थोड़ा रेंज हो गया और डोमेन, जिसका डोमेन, अच्छा रेंज सबसेट ऑफ रियल, रियल क्या हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है या एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है। डोमेन, डोमेन तो ये होता है बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे फंक्शन को जिसका डोमेन क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो या एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, वो क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। इन एडिशन टू दिस, मतलब ये तो रहे ही, इन एडिशन टू दिस अगर किसी फंक्शन का डोमेन, डोमेन क्या हो जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन क्या हो जाए, सेट ऑफ रियल नंबर या फिर एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। टेंड नहीं बेटा, अभी तो फिलहाल किसी चीज से रोक के, कोई बड़ी बुक रख के या कुछ रोक के लगा दो, बाद में स्टेप लगा देना। एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, रियल फंक्शंस, रियल फंक्शन हो जाएगा। सर ने आपको बता ही रखा होगा डेफिनेशन तो, ठीक है। अच्छा, एंड वो बाद में लगा देना, चलो बाद। अच्छा ये बताओ, ये सब डोमेन वगैरह सब आपको अच्छे से क्लियर है, डोमेन फाइंड करते हुए क्या ध्यान रखते हैं, कौन बताएगा? अभी किसने आंसर दिया, मोटे वाले नीचे लगा, कोई बताएगा? इसको दीवार के साथ लगा के मोटे वाले, HTML लगा और इसका वो आएगा थंडू के वहां टू वहां के डोर में। हाँ, डोमेन फाइंड करते हुए किस बात का ध्यान रखते हैं, कौन बताएगा? निहाल बताएंगे? डोमेन फाइंड करते हुए क्या दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं? सर की वैल्यूज इंफिनिटी तक ना जाए, लाइक 1-1/0 इज इंफिनिटी। और कोई बच्चा बताएगा? और कोई बच्चा बताना चाहेगा ये चीज? चलो नाम से ही पूछना पड़ेगा, सनाया आप बताओगे बेटा? सर डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है। नहीं देता ओके वाला, वो उस डोर में होगा या उसके पीछे की केबल में लगा होगा। बृहत आप बताओगे? बृहत सर कोई ऐसा साइड ढूंढना होता है जिसकी वजह से
डिनोमिनेटर जीरो ना बन जाए। हाँ, एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि बेटा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डोमेन फाइंड करते हुए डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। आप एक्स की ऐसी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ऐसी वैल्यू पुट करोगे कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, सही बताया हिरेल। आप बताओ बेटा सेकंड कंडीशन, आप बताओ। दो ही कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन हिरेल। ये हाँ, मैं नाम ठीक बोल रहा हूँ बेटा आपका? हिरेल, यस सर। हिरेल, सॉरी हिरेल, बताओ बेटा। वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। और कौन बच्चा बताएगा? और कोई बच्चा बताना चाहेगा? इशिता? यस सर। कौन बताओ, आप बताओ। सर डोमेन में तो वही होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है कॉमा के पहले, उसका सेट जो होता है, ये होते हैं, ये ढापे से वाले केस में बता रहे हो। लेकिन रियल फंक्शन होता तो वही है, लेकिन जब रियल फंक्शन में हम चले जाते हैं, बेटा इसका सीधा रखो तब दिखाई देगा मुझे, ऐसे दिखाई देगा। कुछ करो, लगाओ उसके नीचे, बच्चों जब आपके पास अंडर रूट की टर्म आ जाती है, मान लो यहाँ पर कोई नंबर आ गया आपके पास पी रूट में आ जाता है, तो p मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दो कंडीशन होती है डोमेन फाइंड करने के लिए, एक तो किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास अंडर रूट की टर्म आ गई, तो अंडर रूट की टर्म के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो आप ये वैल्यू है, आप एक्स को ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट करोगे कि ये वैल्यू आपकी जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा फंक्शन है वन अपॉन एक्स है, ठीक है, फंक्शन है वन अपॉन एक्स, तो एक्स को आप ऐसा नंबर सब्सटीट्यूट करोगे कि एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे टू कर सकते हो आप, थ्री कर सकते हो, फाइव कर सकते हो, आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट कर सकते हो एक्स की जगह, एक्सेप्ट जीरो। तो जो वैल्यू आप इसमें डाल सकते हैं जिससे फंक्शन की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, उन पॉइंट्स के सेट को कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। कितने बच्चे एब्सेंट आज? टोटल हमारे पास 2, 3, 5, 1, 6 बच्चे हैं। ये समझ आया सबको? नहीं समझ आया ये? यस सर। जैसे ये फंक्शन है, चलो मैं जिससे पूछता हूँ वही बताएगा फिर, वन अपॉन एक्स माइनस वन। सनाया, इसका डोमेन बताओ बेटा। बाकी लोग भी अपना, इसका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन होगा। हाँ देखो बच्चों, मैंने अभी बताया कि फंक्शन का डोमेन फाइंड करते टाइम आपको एक ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दिस नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर जीरो नहीं, इस बात का क्या मतलब है, x माइनस वन सो नॉट इक्वल टू जीरो, x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू वन, x वन नहीं होना चाहिए। तो आप x को यहाँ पर क्या डाल सकते हो, आप x को कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, एक्सेप्ट क्या नहीं डाल सकते, आप यहाँ पर x को वन नहीं डाल सकते। सो x कैन बी एनी रियल नंबर, x कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन, तो ये आपका डोमेन होगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की साइड पे बच्चों इंटरवल हमेशा ओपन होता है, माइनस में वन। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ जरा मुझे। हंसी का कैमरा ऑन करो बेटा, ठीक है बच्चों।
किसी बच्चे को डाउट? मैं चलूं आगे। सर एक बार आप समझा सकते हैं, मैंने अभी ज्वाइन किया है यार, वो लैपटॉप नहीं चल रहा था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये वाला दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। बाकी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर इसमें रेंज क्या होगी? रेंज पे हम अभी आते हैं बेटे, दोनों एक साथ करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। रेंज में अलग से समझाऊंगा सारे क्वेश्चंस का, डोमेन एक बार मैं पूरा कर देता हूँ। चलो एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये फंक्शन है एक्स माइनस थ्री। अंशिका कैमरा ऑन करो बेटा। इसका डोमेन कौन बताएगा? इशिता आप बताओ इसका डोमेन बेटा। सर x इज नॉट इक्वल टू थ्री। ठीक है, शाबाश, गुड। किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम कि x इज नॉट थ्री के इक्वल क्यों नहीं होगा? अंशिका आ गई इधर जल्दी से। अंशिका इसका डोमेन बता सकते हो बेटा? Also, x equals to 3. No, beta, x not equal to 3. Oh, sorry, x not equal to 3. Sorry. So, function का domain find करते time हमें ध्यान रखना है कि denominator 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम denominator को not equal to 0 रखते हैं, that gives you x not equal to 3. तो domain आपका क्या आएगा? Domain आपका क्या आएगा? All real number except 3. क्या हुआ? Problem हो रही है कुछ? नहीं बेटे, दो रैकेट किससे लेके जाने हैं? दो रैकेट से खेलो, एक लेके जाना है, दो ले जाना है वो ले जाओ। x डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, करेक्ट। चलो आगे, नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू। अच्छा एक मुश्किल क्वेश्चन, किसको लगता है कि डोमेन मुझे अच्छे से निकालना आता है? जल्दी से बता दो मुझे, जिसको लगता है कि डोमेन मुझे अच्छे से आता है जल्दी करो। शाबाश, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। देखो ऐसे थोड़े ना होता है कि जब मैंने ये कह दिया कि अच्छे से आता है तो सब, कि मैंने अच्छे से बोल दिया फिर मुझे नहीं अब आंसर आएगा तो इसलिए कोई बोल ही नहीं रहा है। जल्दी से बताओ किसको अच्छे से आता है। इजी क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा नहीं है कुछ। चलो मैं खुद से ही दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डोमेन बताओ। निहाल का आंसर आ गया, ठीक है शाबाश। सुनाया जल्दी बोल बेटा। सर आर और सॉरी एक्स इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन एंड वन। गुड, ठीक है अक्षित, सुनाया का भी आंसर हो गया। इशिता जल्दी बोलो बेटा। Sir, all real numbers except 1 and minus 1. Okay. Akshita? Yes, sir. Real numbers except minus 1 and 1. Hiral, aap batao beta. Sir, minus 1 and 1 kuch ke sath Okay, main samajh gaya sabka answer yahi hai. Theek hai? Good. Answer to yahi theek hai beta. Nihal, dekho beta. Beta, x square minus 1 0 nahi hona chahiye Nihal. करते थे ना कि x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ऐसा करते थे ना। यस सर, वहां पर इक्वल टू जीरो होता था, यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आप लिखेंगे x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से आपके पास आएगा x इज नॉट इक्वल टू वन और यहां से आएगा x इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। सो डोमेन आपका क्या होगा? डोमेन आपका होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये दो नंबर छोड़ दो बस, क्योंकि ये दो नंबर डालने से क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर यहां पर इस फंक्शन में x के जगह डाल सकते हो, करेक्ट। अंशिका क्लियर है बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस में टू। चलो ब्रियत आप बताओ बेटा इसका आंसर।
सर एक सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी बच्चे भी अपना सॉल्व कर लो तब तक। चलो आंसर पूछना स्टार्ट करूं। सर एक रियल समझ नहीं आ रहा बेटा। सर एक सेकंड। चलो अंशिका आप बताओ बेटा। सर ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 2। गुड। किस किस बच्चे का आंसर नंबर आया आंसर ये आया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। हाथ उठाओ एक बार जरा मैं समझ। ठीक है सनाया, ठीक है ठीक है, अक्षिता, अंशिका, निहाल का नहीं आया सर। माइनस वन एंड माइनस टू आ रहे हैं। एक मिनट बच्चों, डिनोमिनेटर के फैक्टर सर। ठीक है मिडिल सम स्प्लिटिंग सभी को आती है ना? यस सर। नहीं सर, मिडिल सम स्प्लिटिंग वन अपॉन ये बन गया बच्चों एक्स इंटू एक्स माइनस टू माइनस में वन। मिडिल सम समझाने की जरूरत तो नहीं है सर। नहीं सर, जो क्लास टेंथ में क्वाड्रेटिक के फैक्टर करके आए हो आप बच्चों वही, उसे ही मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल रहा हूँ। फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये वाला। तो बच्चों क्या होना चाहिए इस फॉर दिस फंक्शन, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो and x minus 2 is not equal to 0. That gives you x is not equal to 1 and x is not equal to 2. मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया बच्चों, अगर नहीं समझ आया तो बताओ मैं रिपीट कर दूंगा। करना है रिपीट, बस डोमेन फाइंड करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, करेक्ट? सो डोमेन आपकी क्या होगी बच्चों? डोमेन होगी, निहाल समझ आया बेटा? निहाल यहाँ तक तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, यहाँ तक तो आपका टेंथ वाला ही काम है। उसके बाद बस ये करना है कि फंक्शन के डिफाइन कर होने के लिए डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में जीरो डिनोमिनेटर में जीरो का कोई आंसर नहीं है, कोई नहीं जानता क्या आंसर होगा, डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने रख दिया दिस डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, so x minus 1 into x minus 2 is not equal to 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ से आ गया x minus 1 is not equal to 0 and x minus 2 is also not equal to 0, so यहाँ से आएगा x is not equal to 1 और यहाँ से आएगा x is not equal to 2, मतलब x 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो डोमेन हमारा आ गया all real number except 1 and 2, correct? Yes sir. चलो सर आपने रूट वाला क्वेश्चन समझा दिया? नहीं बेटा अभी नहीं करवाया। चलो ये बताओ बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, सर ने करवा दिया ये वाला सम जो मैंने अभी लिखा है? रूट एक्स बच्चों मैंने अभी अभी बताया, डोमेन फाइंड करने के लिए या किसी फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर हमेशा जो नंबर है जो भी टर्म है, मान लो यहाँ कोई टर्म लिखी है पी लिखा हुआ है, सो पी क्या होना चाहिए? मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर जो टर्म है दैट मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? और एक बात और, इसके साथ कनेक्ट मत करना उसको, ठीक है? चलो मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप इसी के साथ मिक्स कर दोगे उसको। डोमेन, सो डिनोमिनेटर, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए आप रूट के अंदर जो टर्म है उसको देखो। रूट के अंदर क्या है? एक्स। तो एक्स क्या होना चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा, क्योंकि बच्चों नेगेटिव का रूट डिफाइन नहीं होता, माइनस फोर के रूट का कोई आंसर नहीं होता, होता है बट वो अभी आपका अभी तक आपने नहीं सीखा, ठीक है? अभी तक जो सीखा है उसके भी आप रियल नंबर्स में कोई आंसर नहीं होता, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका एक चैप्टर आएगा उसके बाद हम इसका भी लिखेंगे कि इसका भी आंसर होता है,
बट अभी तक नहीं, रियल फंक्शंस में नहीं, रियल वैल्यूज में नहीं, रियल वैल्यूज में रूट रूट ऑफ माइनस फोर का कोई आंसर नहीं होता, मतलब इसका आंसर कोई रियल नंबर नहीं आएगा, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो बच्चों इसको डिफाइन होने के लिए आप एक्स को यहां पर जीरो से बड़ा कोई भी नंबर रख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे रियल नंबर होते हैं, यहां पर एक्स की जगह आप जीरो से जीरो या जीरो से बड़ा कोई भी नंबर रख सकते हो, जीरो से आप छोटा नंबर रखेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा जो रियल नंबर्स में नहीं होता है। ठीक है, सो यू विल राइट ओनली नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो डोमेन आपका क्या होगा, डोमेन आपका होगा जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो आप रख सकते हो। ठीक है, चलो इसका आंसर जो बताएगा, कौन बताएगा, चलो मैं बोलता हूं आंसर, कौन बता रहा है, इशिता बता रहे हो आप इसका आंसर बेटा, डोमेन बताना है इसका। x is greater than equal to 1। चलो अक्षिता क्या इसी तरह ठीक बताया है, झगड़ा करवा देते हैं तुम दोनों का। सर अंदर जीरो क्या बेटे, बेटे मैं पूरी तरह आपकी बात समझा नहीं, पर चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक बताया उन्होंने बच्चों, डोमेन फाइंड करने के लिए x माइनस वन, आप दोनों साइड बाई साइड बैठे हैं। Yes, sir. आवाज जब एक बोलता है तो फिर वो आवाज गूंजती है ना। एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बच्चों रूट के अंदर जो मैंने अभी बताया, रूट के अंदर जो नंबर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वो नंबर जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, वो टर्म आपकी जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड एक्स माइनस वन मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट गिव्स यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यही बताया था उन्होंने, बिल्कुल ठीक बताया था उन्होंने कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो अक्षिता ने बताया था वो तो मैं क्लियरली नहीं अंडरस्टैंड कर पाया कि उन्होंने क्या बोला, बट इशिता ने जो बोला था वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अच्छा इसका क्या मीनिंग हो गया बच्चों, एक्स वन से बड़ा होना चाहिए, ये आपका जीरो, ये आपका वन, और यहाँ जाके इन्फिनिटी और इधर माइनस वन, एक्स आपका वन से बड़ा होना चाहिए, वन हो सकता है, वन हो सकता है और वन से बड़ा। ठीक है, तो आपका एक्स क्या होगा, डोमेन आपका क्या होगा, वन टू इन्फिनिटी, वन इंक्लूड कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई बच्चा पूछना चाहता है इसके बारे में कुछ? नहीं हो सकता बेटा, कौन बताएगा कि जीरो इन्फिनिटी क्यों गलत है? जीरो इन्फिनिटी बेटा इसलिए गलत है, माइनस में रहेगा आंसर। हाँ, यहाँ आप ये कह रहे हो जी वन से छोटा तो जीरो ही होता है, तो वन को क्लोज करने की बजाय जीरो को ओपन कर देते हैं, बट बेटा वो तो ठीक है, लेकिन देखो अभी तो इसमें सिर्फ ये नंबर इंक्लूडेड है, ये नंबर इंक्लूडेड जो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लिखा है ये वाला, इसमें सिर्फ ये नंबर इंक्लूडेड है जिस लाइन को मैंने क्रॉस किया है, ये सारे नंबर वन तक के। ठीक है, वन से छोटा होता है, जैसे वन से छोटा नंबर 0.99, 0.999, और इधर 0.8, 0.5, 0.6, इनफाइनाइट नंबर है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप ये वाला लेते हो तो आपने ये बीच के जो इनफाइनाइट नंबर है ये और आप इसमें इंक्लूड कर दोगे, ठीक है, वो तो हम यहाँ रख ही नहीं सकते। ठीक है, वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने तो जीरो को की साइड से ओपन रखा तो जीरो के बाद तो वन ही आएगा, ऐसा नहीं है, जीरो और वन के बीच में भी रियल नंबर, रियल लाइन पे इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपने वो इनफाइनाइट रियल नंबर और डाल दिए इस इंटरवल में, ये बीच वाले इनफाइनाइट, जो कि नहीं हो सकते, करेक्ट, इसलिए हम ये केस नहीं लेंगे। ओके बच्चों, आप एक बात बताओ, आपने इस टाइप की इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई की है? सर ने करवा दिए, ये नहीं करवाई है। चलो अच्छा एक फंक्शन बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर, चलो इससे पहले ये दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला फंक्शन बताओ, थ्री माइनस एक्स सनाया सर,
x is not equal to 3 होगा. ओके सुनायक आंसर आ गया x not equal to 3. और कोई बताना चाहता है? सर x is less than equal to 3. ठीक है, इसी तरह का भी आंसर आ गया. अंशिका से भी पूछ लेते हैं. Then x is less than equal to 3. अक्षिता सर मेरे को समझ में नहीं आया. निहाल सर नहीं समझ आया मुझे. किरण सर x is not equal to 3. बृहद x is less than equal to 3. कुछ बच्चों ने x less than 3 बोला. देखते हैं बेटो ये आंसर ठीक है या नहीं. बच्चों इसके लिए 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? रूट. अगर रूट के अंदर टर्म है तो वो जीरो से जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए. फॉर फंक्शन के डिफाइंड, फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना ऐसा. और 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स उधर चला जाएगा. 3 इज ग्रेटर देन एक्स या फिर कहें कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, एक ही बात है. तो ये आंसर जिन जिन ने दिया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों. आप ठीक है, और जिनको नहीं समझ आया वो भी बच्चों ध्यान दें कि 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. रूट के अंदर जो टर्म है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, सो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स. एक्स अगर राइट में चला गया. अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करते, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. इसका अगला स्टेप क्या होता कौन बताएगा? कौन कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करो. ठीक है, ईशिता को नहीं पता, निहाल को भी नहीं पता. वापस क्या क्या बताना है? इसका अगला स्टेप क्या लिखेंगे? इससे अगला स्टेप इसको सिंपलीफाई करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस को काटेंगे ना, x फाइंड करना है हमें, तो फिर क्या लिखा जाएगा? सर लेस देन इक्वल टू 3. हाँ बच्चों, जब माइनस को कट करते हैं ना तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा. ठीक है, इक्वल टू जब होता है x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 है तब तो हम माइनस से माइनस को कट कर देते हैं. लेकिन जब बच्चों आपके पास इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, और माइनस है माइनस कट करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. ध्यान रखना इस बात का. इनइक्वालिटीज का चैप्टर शायद आपने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा होगा. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं. अच्छा तो इसका डोमेन क्या हुआ फिर? डोमेन क्या हुआ? x 3 से छोटा होना चाहिए. x 3 से छोटा होना चाहिए इट मींस ये आपका 3 है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. x 3 से छोटा होना चाहिए, 3 के इक्वल हो सकता है. x 3 से छोटा होना चाहिए इसका मतलब x क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू 3. 3 को इंक्लूड करेंगे तो डोमेन आपका क्या हो गया? ये आपका डोमेन है. क्लियर है? चलो निहाल कहाँ चला गया? कौन बच्चा चला गया? सारे? अच्छा ठीक है. ऑल राइट बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1. ब्रियत आप बताओ बेटा. बच्चों डिनोमिनेटर के अंदर जो यहां पर दो कंडीशंस लगेंगी, कौन कौन से दो कंडीशन? एक डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा रूट के अंदर की टर्म जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए. इस बात को सब लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, रूट के अंदर की टर्म जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए. और पहली कंडीशन कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. कौन से दो कंडीशन? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए एंड रूट के अंदर जो टर्म है वो जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए. तो यहां पर डिनोमिनेटर भी है और रूट भी है, दोनों कंबाइंड है. क्या करेंगे? x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए एंड x माइनस वन जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए. बट देखो बच्चों, x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए और यहां मैंने लिखा कि x माइनस वन या तो जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है.
दोनों कंडीशंस को क्लब करोगे आप, कंबाइन करोगे, तो फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर यहां से ये x माइनस वन जीरो के इक्वल वाला केस हट जाएगा दोनों को अगर कंबाइन करें तो दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय इनको अगर कंबाइन करके हम लिख दें कि x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो सेकेंड कंडीशन में इंक्लूडेड था कि x माइनस वन कैन बी जीरो, वो फर्स्ट कंडीशन की वजह से हट गया है, ठीक है। सो सिर्फ हमारे पास क्या बचा कि रूट के अंदर टर्म है, डिनोमिनेटर में है, तो ये जीरो नहीं हो सकती, इसलिए यहां से इक्वल टू हट गया है। अब आगे मैंने क्या लिख दिया, x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, रूट के अंदर टर्म है तो वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इक्वल टू जीरो वहां इसलिए हट गया इस वाली कंडीशन की वजह से, क्योंकि डिनोमिनेटर था और डिनोमिनेटर में टर्म है तो वो जीरो नहीं हो सकती। सो x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, x वन से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। x वन से बड़ा होगा तो डोमेन क्या होगी, कौन बताएगा, ब्रेथ बता सकते हो डोमेन क्या होगी वन से बड़ा? सर, वन टू इन्फिनिटी। वन टू इन्फिनिटी, अच्छा वन की साइड पे मैंने फिर से गलती से लगा दिया इक्वल टू, इक्वल नहीं आएगा, और यहाँ भी फिर इंटरवल ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर आपने वन रखा, x को वन रखा, तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। चलूं आगे, एक चीज समझो बच्चों, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन या x प्लस टू कर देता हूं, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? x माइनस वन, इसको डोमेन रेंज से कनेक्ट मत करना, ये डोमेन रेंज का पार्ट नहीं है, डोमेन रेंज के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हुए इसका यूज होता है, ये इनइक्वालिटी के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, डोमेन रेंज के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हुए इसका यूज हो जाता। x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, कौन बता सकता है? ये बताओ, ये सर ने करवाया नहीं करवाया पहले, ये बताओ मुझे, नहीं करवाया तो बच्चों समझो, फिर टाइम वेस्ट मत करो। देखो जरा, देखो बच्चों ऐसे इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपली आपके पास ऐसे आ जाता है कि x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब तो आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन दो टर्म मल्टीप्लाई में आ जाए तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? देखो, सेपरेटली आप इनको एक बार जीरो के इक्वल रख दो, सेपरेटली आप इनको जीरो के इक्वल रख दो, यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू वन और यहां से मिलेगा x माइनस टू। नंबर लाइन बनाओ, पहला काम क्या करना बच्चों, आपको सेपरेटली दोनों को जीरो के इक्वल रख देना है, ठीक है, दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया तो वहां से एक जगह से आपके पास आया x इज इक्वल टू वन और एक जगह से आपके पास आया x इज इक्वल टू माइनस। लेकिन वहां तो ग्रेटर देन जीरो है, तो यहां इक्वल क्यों हो गया? हाँ, मैं बताऊंगा बेटा, बस दो मिनट का टाइम दे दो आप। ओके सर, ठीक है, तो यहां से ये दो नंबर आपके, इसीलिए मैंने उनको साइड में रखवाया, मेन क्वेश्चन में नहीं रखवाया इसीलिए, ठीक है, रफ ये काम आपका रफ में करना है आपको। यहां से आपको दो नंबर मिले x इज इक्वल टू वन एंड माइनस टू, उनको यहां पर नंबर लाइन पे मार्क कर लो, माइनस माइनस टू लेफ्ट में मार्क होगा और वन राइट में होगा, स्मॉलर नंबर लेफ्ट में होता है, राइट ग्रेटर नंबर राइट में होता है, करेक्ट, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, इस इंटरवल का कोई एक पॉइंट लो, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इस इंटरवल का एक पॉइंट लो, इन दोनों नंबर्स ने क्या किया, तीन इंटरवल बना दिए, यहाँ पर एक इंटरवल बनाया माइनस इनफिनिटी से माइनस टू तक, सेकेंड इंटरवल बना माइनस टू से वन तक, और थर्ड इंटरवल बना माइनस वन से इनफिनिटी तक, क्लियर है? अच्छा, पहले आप राइट मोस्ट इंटरवल का एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे कि वन से बड़ा कोई पॉइंट क्या लोगे, टू ले लें, टू ले लिया, आप कोई और भी ले सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, बस ये वाला पॉइंट नहीं लेना, वन नहीं लेना, वन से इन्फिनिटी के बीच का कोई मर्जी पॉइंट ले लो आप, टू ले लिया मैंने, टू को आप इसमें डालो, क्या आएगा, एक्स माइनस टू, सॉरी टू को यहाँ डालोगे तो टू माइनस वन, वन आया, मैं लिख लेता हूँ वन, पहला ब्रैकेट सिंप्लीफाई होकर वन आ गया, अब टू को यहाँ डालो तो ये हो गया टू इंटू टू फोर, वन इंटू फोर, फोर आएगा ना बच्चों, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया बच्चों, इसका मीनिंग ये होता है, इट मीन्स कि इस इंटरवल पे, इस पूरे इंटरवल पे वन से लेकर इन्फिनिटी तक आपकी ये जो टर्म है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, ये इस टर्म की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बच्चों आपका ये फोर आया है,
इस इंटरवल का आपने एक पॉइंट, इस इंटरवल का एक पॉइंट आपने यहां पर डाला, वो कैलकुलेट होके आया 1 × 4 यानी कि 4 पॉजिटिव आया। इसका मीनिंग ये है कि इस पूरे इंटरवल पे 1 से ∞ तक आपकी ये टर्म दिस पॉजिटिव होगी। आप किसी और पॉइंट के लिए भी चेक कर सकते हो, कितने मर्जी पॉइंट्स के लिए चेक कर लो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जैसे आप 3 डाल के देखो, 3 डालोगे तो 3 − 1 = 2 × 3 + 2 = 5 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आया, आया ना, ठीक है। इस इंटरवल पे ये टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ओके, अब बच्चों कोई एक बच्चा इसके इसके बीच का कोई पॉइंट बताओ, -4 और 1 के बीच का कोई एक बच्चा एक पॉइंट बताओ। 0 0, ठीक है, 0 इसके बीच में है। उस 0 को आप सभी लोग यहां डाल के देखो, x-1 में डालो 0 को, क्या आता है बताओ मुझे। x-1 में आपने डाला 0 को, ये हो गया -1 और ये हो गया 2, तो नेगेटिव आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है, क्लियर है ये सबको। इस पूरे इंटरवल पे -1 से 2 के बीच में आपकी ये टर्म नेगेटिव रहेगी, चाहे आप कोई और पॉइंट में डाल के देख लो। निहाल ये समझ आया बेटा? ब्रियत को समझ आ रहा है? अच्छा ब्रियत बताएगा, ब्रियत -∞ से 2 के बीच का कोई पॉइंट? -3 -3, ठीक है। निहाल, निहाल -3 को यहाँ डाल के बताओ मुझे, ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? -3 ब्रियत ने बोला, सर 8 क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, बाकी बच्चों चेक करो, 8 आ रहा है। -3 - 3 - 3 - 1 - 3 + 2, तो ये हो गया -4 और ये हो गया -1। बेटा 4 आएगा, और आएगा, आपने कोई मिस्टेक कर दी बेटा, और आ गया मतलब पॉजिटिव आया। देखो बच्चों, इस पूरी हमने पूरी नंबर लाइन को मतलब अच्छे से एनालाइज कर लिया, और हमें ये मिला पूरी नंबर लाइन को देखने के बाद कि हमारी जो टर्म है ना x-1 × x + 2 वो इतने इंटरवल पे पॉजिटिव रहेगी, मतलब उसकी वैल्यू इस इंटरवल पे पॉजिटिव आएगी, इस इंटरवल पे उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी और इस इंटरवल पे पॉजिटिव आएगी, करेक्ट। बच्चों x आपको क्या चाहिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि x-1 इसका सॉल्यूशन बताना है, इसका सॉल्यूशन मतलब आपको x की ऐसी वैल्यू बतानी है कि जिसके लिए ये पूरी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। तो डेफिनेटली आपको ये एक्सप्रेशन इस इंटरवल में एंड इस इंटरवल में क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, वही तो चेक करके हमने किया है। तो बच्चों जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ी होगी वो इंटरवल आपके होंगे -∞ to -2 यूनियन 1 to ∞। इस इंटरवल में आपकी ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने लिखी थी और मैंने रिक्वायर क्या था कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, -∞ से -2 के बीच में और 1 से ∞ के बीच में ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ी होगी, ठीक है। आपको x की ऐसी वैल्यू बतानी थी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ी हो, तो वो x की वैल्यूज क्या होंगी आपकी, -∞ से -2 के बीच में एंड 1 to ∞ के बीच में, क्लियर है। एक बात और, यहां पर -2 को नहीं लेना है, क्योंकि -2 अगर आप यहां डालोगे तो बच्चों ये 0 के इक्वल हो जाएगा, हमें 0 के इक्वल नहीं चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने -2 की साइड से ओपन रखा। 1 अगर आप यहां डालोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो जाएगा और लेफ्ट साइड इक्वल टू 0 हो जाएगी, हमें इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, हमें ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसलिए हमने 1 को भी इंक्लूड नहीं किया। 1 और 2 डालने से ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगी, हमें x की वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ी हो, 0 के इक्वल नहीं, करेक्ट। ऑलराइट, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, x + x-3 × x + 1 < 0 क्या करोगे। हाँ बच्चे, आप वो पूछ रहे थे कि 1 और 2 क्यों, हमने इक्वल टू क्यों रखा था। यस सर, ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए बेटा इसको 0 रखना होता है। अब हम x को 0 के 1 के इक्वल लें या नहीं लें वो डिपेंड करता है यहाँ से,
ठीक है ओके सर। अब देखो x को 1 तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा तब x 1 आता है, बट हमें तो ये क्वांटिटी ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने फिर 1 को यहां पर छोड़ दिया, लिया नहीं 1 को। ओके हमने वो पॉइंट फाइंड करने में हेल्प जरूर ली थी उसकी, बट बाद में हमने 1 को रिजेक्ट कर दिया, 1 को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि 1 रखने से ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगी, हमें 0 के इक्वल नहीं चाहिए, हमें 0 से बड़ी चाहिए। अगर हमें ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल भी चाहिए होती, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा होता, तब हम एक्स को 1 भी ले सकते थे, और उसके लिए फिर हम यहाँ पर इंटरवल क्लोज कर देते। यस सर, ये आगे के क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा बच्चों, इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले वही रफ में जाओगे और इसको एक्स माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दोगे, एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दोगे, दैट गिव्स यू एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। जल्दी से सभी बच्चे निकाल लो इसको। बरियत समझ आ रहा है बेटा? लास्ट वाला पार्ट रिपीट करना, आपकी आवाज कट रही थी, क्या निकालना? मैंने बोला कि आप इन दोनों को सेपरेटली x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दो, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आपके पास आएगा x माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, हो गया यहाँ तक सब बच्चों का? उसके बाद ये दोनों पॉइंट आपको मार्क कर लेने हैं, माइनस 1 एंड 3। चलो सनाया बोलो बेटा क्या करना है इसके बाद आगे? सर एक कोई भी मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट नहीं लेना है, कोई भी पॉइंट लेना है बेटा, 3 से लेकर इंफिनिटी के बीच का एनी पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं, एनी पॉइंट बिटवीन, इन बिटवीन 3 टू इंफिनिटी। ऑल राइट, क्या ले वो पॉइंट? सर कोई माइनस 1 और 3 के बीच में कोई भी ले सकते हैं, तो 2 ले सकते हैं। बिटू 3 और इंफिनिटी के बीच का बताओ। तो 4 ले लो। और ले लिया, ठीक है 4 लेंगे, यहाँ पर डाल के देखो 4 तो क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना ही देखना होता है। ये एक्सप्रेशन कैसे आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ बेटा? सर पॉजिटिव आएगा। 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1 तो ये आ गया 1 और ये आ गया 5, तो 5 आया, पॉजिटिव आया, तो आप यहाँ पॉजिटिव मार्क कर दीजिए। इसका मीनिंग ये है कि 3 से इन्फिनिटी के इंटरवल में x की वैल्यू हम 3 से इन्फिनिटी के बीच में लेंगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। निहाल निहाल इसके बीच का पॉइंट बताओ। सर 0 0 आप डालो निहाल यहाँ पर 0 तो माइनस 1 आएगा, नहीं सॉरी माइनस 3 आएगा। नहीं बेटा आराम से, माइनस 3 आएगा, 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, निहाल ने 0 बोला तो ये आ गया माइनस 3 और ये आ गया 1, क्या आंसर आया बेटा? माइनस 3, नेगेटिव आया ना। आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं होती कि आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा, आपको सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो तो बच्चों यहीं से पता लग जाता है, एक ब्रैकेट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, यहाँ लगा दो नेगेटिव। ठीक है अंशिका एक पॉइंट बताओ। माइनस टू डालो, माइनस टू को यहाँ पर, सभी बच्चे माने माइनस टू को डालो यहाँ पर। सर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बाकी बच्चे भी चेक करो उनका पॉजिटिव आ रहा है क्या? यस पॉजिटिव। ओके हमें ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए, जीरो से लेस, जहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है वहीं एक्सप्रेशन जीरो से लेस होगी, और जहां पॉजिटिव लिखा हुआ है वहां एक्सप्रेशन जीरो से ग्रेटर होगी। हमें चाहिए जीरो से लेस, तो जीरो से लेस कहां होगी कौन बताएगा? हिरेल बता सकते बेटा? जीरो से लेस कहां पर होगी बेटा ये एक्सप्रेशन? बेटा जहां पॉजिटिव लिखा है वहां एक्सप्रेशन जीरो से बड़ी होगी, और जहां नेगेटिव लिखा है वहां एक्सप्रेशन जीरो से छोटी होगी, और हमें तो जीरो से छोटी चाहिए। माइनस वन टू थ्री, वेरी गुड, माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू थ्री, बट बच्चों हमें जीरो के इक्वल नहीं चाहिए, माइनस वन को इंक्लूड करने से ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी, थ्री को इंक्लूड करने से ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी साइड से आप इंटरवल को ओपन रखोगे क्योंकि हमें माइनस वन और थ्री इंक्लूड नहीं करने, करेक्ट? बच्चों एक एक्सप्रेशन और बताओ, कौन बताएगा कोई एक्सप्रेशन? आप बोलो, कौन बोलेगा? निहाल बोलोगे कोई एक्सप्रेशन?
ऐसी कोई एक्सप्रेशन बोलो जैसे ऊपर मैंने दो लिखी थी, ऐसी कोई आप बताओ। चलो मैं एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है ब्रियत, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसको सॉल्विंग में? सर पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, इसमें 2 एंड 5 को मार्क करेंगे। इसके सॉल्विंग में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सर नंबर लाइन बनाएंगे, 2 एंड 5 को मार्क करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा बेटा कि इसको दोनों को सेपरेटली जीरो रखेंगे, x माइनस 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे, x माइनस 5 को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 2 आएगा, x इज इक्वल टू 5 आएगा, वो ठीक है, आपने पॉइंट डायरेक्ट बता दिए, दैट्स गुड। बच्चों मेरा ये बंद हो गया स्पीकर और यहाँ पर कोई पॉइंट है नहीं लगाने का और लैपटॉप पूरा पहले ही ऑक्यूपाई है, व्हाट कैन आई डू। हाँ बच्चों बताओ जरा, यहाँ तक सबका हो गया? नंबर लाइन बना ली सबने? तो यहाँ से आपके पास आया 2 and 5, मार्क किया हमने। अच्छा साइन अपने सबने लगा दिए? सभी अपने साइन मार्क करो, मैं पूछूंगा वही बताएगा, वो ऐसे कोई नहीं बताएगा। प्लस माइनस सबने लगा लिया? ठीक है ब्रियत नोटबुक दिखाओ। और सर मैंने रफ में किया है, बस साइन लिखे हैं, नंबर लाइन पूरी नहीं बनाई थी साधु। दिखाओ दिखाओ क्या साइन लिखे हैं, कौन से माइनस? बेटा फटाफट जैसे मैं लिखता हूँ वैसे फटाफट लिखो इसको। शनाया नोटबुक दिखाओ बेटा। सर लास्ट वाला साइन बना रही हूँ, बाकी दिखाओ। ओके 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 तब चलो बना के दिखाओगे। किसका बन गया? नांशी का, दिखाओ। यस बोलो नांशी का, जोर से यस बोलो। यस सर। हाँ आप नोटबुक दिखाओ। अच्छा ठीक है बेटे गुड। और किसका हो गया? इशिता, इशिता नोटबुक दिखाओ। थोड़ा ऊपर करो बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है इशिता, ठीक है। अंशिका आप दिखाओ बेटा। मैंने दिखा दिया आपको। ओह सॉरी अंशिका नहीं, अक्षिता ने दिखा दिया। यस बोलो बेटा जोर से। यस सर। आप दिखाओ नोट पे, थोड़ा ऊपर करो बेटा, ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे कर रहे हो आप। ओके ठीक है बेटा। निहाल आपने लिखा बेटा? यस बोलना है, जब अपनी कोई नोटबुक दिखाता है तो उसको बोलना होता है ताकि वो मेन स्क्रीन पे आ जाए। निहाल दिखाओ बेटा नोटबुक दिखाओ। निहाल आपने ना वो ब्लर वाला वो किया हुआ है, तो कोई बच्चा और दिखाओ तब तक। ब्रेथ आप दिखाओ, ब्रेथ लिख लिया आपने। हिरेल आपने किया बेटा? हिरेल दिखा रही है, हिरेल दिखाओ। यस बोल के दिखाओ बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है ब्रेथ देख लिया मैंने आपका। हिरेल आप दिखाओ, यस बोलो बेटा हिरेल। Yes, sir. All right, बेटा किसका रह गया? निहाल का रह गया। Yes, sir. ठीक है निहाल आपकी थोड़ी गड़बड़ है, पॉजिटिव में नेगेटिव तक तो सबके ठीक है, यहाँ तक सबके ठीक है। ठीक है उसके बाद
इंटरवल लगाते हुए, इंटरवल लगाते हुए एक दो बच्चों ने थोड़ा गड़बड़ किया है, यहां तक तो सबका ठीक है बच्चों। हमें चाहिए ये एक्सप्रेशन जीरो या जीरो से बड़ी, जीरो कहां पर है, जीरो होगी बच्चों, देखो एक्स को टू डालने, इसको जीरो डाला था तो एक्स टू आया था, मतलब एक्स को टू डालोगे तो ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल होगी। एक्स को फाइव डाला, एक्स माइनस फाइव को जीरो के इक्वल डालने से ये आया था एक्स इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो आप एक्स को फाइव लोगे तो ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आएगी। हमें वो पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं जिससे ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आती है, ठीक है। तो एन जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ी होती है का मतलब माइनस इन्फिनिटी से टू, माइनस इन्फिनिटी से टू। और बच्चों हमें वो भी लेना है जिससे ये जीरो के इक्वल आती है, तो टू 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 डालने से ये एक्स जीरो के इक्वल आएगी एक्सप्रेशन, तो टू को इंक्लूड करना है, तो टू की साइड से इंटरवल क्लोज होगा एंड इन्फिनिटी की साइड से तो इंटरवल हमेशा ही माइनस ओपन होता है, सॉरी यूनियन। फाइव डालने से ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आती है और हमें ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल भी चाहिए, वो पॉइंट्स भी हमें लेने हैं जिससे ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आएगी, तो फाइव को भी इंक्लूड करना है एंड इन्फिनिटी की साइड से तो ओपन रहेगा। ये इसका एक्सप्रेशन, ये इसका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। निहाल आपने ये ठीक कर दिया बेटा, क्लोज इंटरवल लगा लिए, यस सर। हिरल आप पूरा कर लो बेटा इसको, ठीक है बच्चों। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन तो चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है बेटा, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स के अंडर रूट, नाइन माइनस एक्स के अंडर रूट, आपको स्कूल में समझाया होगा, बताओ आंसर। इसका डोमेन बताना है अभी सिर्फ, रेंज नहीं, बताओ बच्चों कौन बताएगा। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ओके, हिरेल ने बताया कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। और कोई बच्चा कुछ बताना चाहता है? इशिता ने बताया। हाँ, इशिता और अक्षिता का नाम याद रखने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि इशिता कौन सी है, अक्षिता कौन सी है। पहले मेरे पास दो बच्चे थे, नम्या और नव्या, वो दोनों भी ट्विंस थे, बट वो दोनों डिस्टिंग्विश हो जाते थे, है ना। चलो बाकी एक दो दिन क्लासेस में हो जाएगा। चलो बच्चों, हाँ आपने बता दिया बेटा, अक्षिता बताएगी। तो मेरा है कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3। x is less than equal to plus minus 3, okay। ब्रेत बताओगे बेटा? Or less than equal to 3। निहाल? So less than equal to 3। निहाल कह रहा है, देखो आया तो ठीक से समझ नहीं, बाकी सारे बच्चे बता रहे थे, मैं भी कोई ना आंसर को बोल ही देता हूँ, यही नहीं यार? Yes, so plus minus वो रहेगा ना फिर। चलो देखो बच्चों, मैंने आपको क्या समझाया, कि फॉर ए फंक्शन टू बी डिफाइंड, अगर आपके पास रूट की टर्म आ जाती है तो रूट के अंदर जो टर्म है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बताया ना मैंने आपको ये। सो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इज इट करेक्ट और नॉट? अप्लाई कर दो फटाफट, सब बच्चे यहां तक अप्लाई कर दो। नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, पहली हमारे दूसरे वाली कंडीशन थी शायद, कि अगर आपके पास अंडर रूट की टर्म है तो टर्म इनसाइड ऑफ अंडर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फटाफट कर दो बच्चों। अच्छा बच्चों, इनइक्वालिटी को बच्चों इक्वेशन की तरह कभी सिंपलीफाई मत करना, मैंने क्या वर्ड बोला सभी ने सुना ना अच्छे से, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की तरह सिंपलीफाई मत करना। कैसे, मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब यह है बच्चों, जैसे कि आपके पास नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आता है तो आप कर देते हो कि माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, माइनस नाइन काट दिया, माइनस कट कर दिया, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। नो बच्चों, ऐसे सिंप्लीफाई इनइक्वालिटी नहीं होती है, मतलब इक्वालिटी तो ऐसे सिंप्लीफाई होती है, इनइक्वालिटी ऐसे नहीं होती है, इनइक्वालिटी को ऐसे सिंप्लीफाई मत कर देना बच्चों। इसके दो फैक्टर बनाओ, ये 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर बना लिए, साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो, अगर रुकना होगा तो मैं रुक जाऊंगा, साथ बार नोट डाउन साथ के साथ किया करो। 3 square minus x square is greater than equal to 0, हो गया ये? सनाया आपने क्या बताया था बेटा?
मैं आपका नाम सनाया बोल रहा हूँ, आपका नाम क्या है? साइना. साइना, ऑल राइट. सर लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस थ्री? नहीं बेटा वैसे नहीं, मैंने बोला ना ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना, इनइक्वालिटी को ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना बेटा. और इसके बाद बच्चों इसके दो फैक्टर बनाओ, थ्री माइनस एक्स इंटू थ्री प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्या अब कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बता सकता है? चाइना आप बता सकते हो आंसर? अंशिका यस, अब वो वाला मेथड लगेगा जो सीख के आए हैं. ठीक है, सीखा ना हमने अभी. तो दोनों को रफ में मैं जीरो पुट कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट देखो मुझे तो आता नहीं है. यहां से आएगा x इज इक्वल टू थ्री और दूसरी जगह से आएगा x इज इक्वल टू माइनस थ्री. दो पॉइंट आए आपके, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, दोनों पॉइंट सबके आ गए हैं ना, हिरेल आ गया बेटा. दो पॉइंट आए माइनस थ्री एंड थ्री. ओके प्लस माइनस चेक करो बच्चों. प्लस माइनस चेक करो. जल्दी से प्लस माइनस चेक करो बच्चों. हुआ दिखाओ, आंसर का नोटबुक दिखाओ बेटा. यस ओके. नेक्स्ट किसका हो गया? साइना नोटबुक दिखाओ बेटा. सर सर अच्छा सर मैं नोटबुक दिखाऊं? हाँ आप दिखाओ साइन. ठीक है बेटा देख लिया मैंने आपका साइन, आप दिखाओ बेटा. थोड़ा ऊपर करो बेटा, थोड़ा और ऊपर करो. ओके नीचे कर लो, नीचे करो जाएगा. ठीक है बेटा, आप ये जो फेयर में करते हो ना ये वाला रफ में क्या करो, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा है ना, ये वाला थोड़ा आप रफ में क्या करो, आप दिखाओ बेटा. थोड़ा पीछे करो बेटा नोटबुक. बेटे एक बार सर नोटबुक हटाओ, जब आप नोटबुक हटाते हो ना तो पूरी नोटबुक ऐसे नहीं दिखानी, मतलब अपने फेस के साइड में ऐसे करके दिखाओ, ताकि आपको आपको भी अपनी स्क्रीन दिखाई देती रहे, तो उससे पता लगता है कि आपकी स्क्रीन पे क्या है, नहीं तो फिर पता नहीं लगता है कि स्क्रीन पे क्या है. बेटा आपका एक साइन गलत है, कोई नहीं मैं बताता हूँ, आपका माइनस इनफिनिटी से माइनस थ्री वाला साइन गलत है बेटा. निहाल हुआ बेटा दिखाओ, यस बोलो, यस बोलो जोर से. यस सर. हाँ आप दिखाओ. निहाल आपके प्लस माइनस साइन बेटा शायद आपने ठीक से देख, दोबारा चेक करो. प्रीत आप दिखाओ. यस ठीक है. हिरल आप दिखाओ बेटा. ठीक है बेटा. ऑल राइट बच्चों, बच्चों यहाँ प्लस आना चाहिए था. निहाल एक बार क्रॉस चेक कर बेटा, यहाँ माइनस आना चाहिए था. जैसे थ्री से इन्फिनिटी का कोई पॉइंट लोगे, फोर लिया, फोर को निहाल यहाँ डालेंगे, थ्री माइनस फोर बेटा, थ्री प्लस फोर तो क्या आएगा, माइनस वन और सेवन, माइनस आएगा बेटा.
ऐसे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। अभी तो आप लगा लो और एक बार इसको दोबारा चेक करके देखना। उसके बाद बच्चों हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए जीरो या जीरो से बड़ी, कहाँ पर है? माइनस थ्री टू थ्री। ये एक्सप्रेशन कहाँ पर जीरो से बड़ी है? माइनस थ्री टू थ्री पे बड़ी है, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए, अब ध्यान से समझो, इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए हमें क्या चाहिए था? इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए हमें चाहिए था ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ी, और इसको सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ पहुंच गए थे, हमें ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ी चाहिए। और ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ी कहाँ है बच्चों, देखना जरा, माइनस थ्री से थ्री के बीच में। तो डोमेन आपका क्या आएगा? डोमेन आपका आएगा माइनस थ्री टू थ्री, क्लोज इंटरवल, ठीक है। आपको इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ी चाहिए, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारे पास ये आया कि दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। फिर हमने ये चेक किया कि ये एक्सप्रेशन कहाँ जीरो से बड़ी है, ये एक्सप्रेशन बड़ी है माइनस थ्री से थ्री के बीच में, इक्वल टू जीरो हो सकता है, इसलिए हमने माइनस थ्री को भी इंक्लूड किया, थ्री को भी इंक्लूड किया। ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हमने माइनस थ्री को इंक्लूड किया, क्योंकि माइनस थ्री पे ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल है और थ्री पे भी ये जीरो के इक्वल है, ठीक है। साइना बेटा आप बस इतना ही लिखा करो, बाकी जो लिखते हो ना आप वो सारा इधर लिखा करो, रफ में लिखा करो। ये क्वेश्चन समझ आया सबको? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चों, फिर से ट्राई करो। एफ एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट क्या होना चाहिए? हिंट वही बच्चों, अंडर रूट के अंदर टर्म है तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, फोर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होना चाहिए। निहाल इस पर ध्यान से करना बेटा, फोर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होना चाहिए। बच्चों इसके दो फैक्टर बना दो, टू माइनस एक्स और टू प्लस एक्स। आई थिंक यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रेथ हो गया बेटा? नहीं सर, लिखना है बेटा, नोटबुक चेक करनी पड़ेगी मुझे आपकी, मुझे आइडिया हो गया। ब्रेथ थोड़ा लिखने में कंजूसी करता है, है? 2 माइनस एक्स टू प्लस एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आएगा, दो पॉइंट आएंगे आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू माइनस टू। दो क्रिटिकल पॉइंट आए आपके पास, माइनस टू एंड टू। नंबर लाइन पे मार्क कर लो बेटा, स्मॉलर पॉइंट लेफ्ट साइड में मार्क होगा, ग्रेटर पॉइंट राइट साइड पे मार्क होगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, चेक करो बच्चों, आप बताओ। इस इंटरवल का एक पॉइंट लेना है, ऊपर इस एक्सप्रेशन में डालना है, बस उसको ये देख लेना है कि वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। जैसी वो आती है वैसा ही साइन, सबसे पहले इस बार निहाल बताएगा। निहाल पॉजिटिव नेगेटिव साइन लग गए बेटा, बताओ फिर राइट मोस्ट पे क्या है? सर नेगेटिव होगा। राइट मोस्ट पे निहाल नेगेटिव, ओके। सेकंड माइनस टू से टू के बीच में पॉजिटिव, और नीचे इधर माइनस इनफिनिटी से टू के बीच में नेगेटिव, ओके निहाल। बच्चों ये ठीक है, किसी का अगर डिफरेंट आ रहा है तो मेरे से पूछ लो। हंसिका कैसे हैं साइन? ठीक है। ब्रियत कर सेम। इशिता अक्षिता साइना सेम। ऑलराइट बच्चों, तो सो एक्स कहाँ होना चाहिए? माइनस टू से टू के बीच में, आप टू और माइनस टू को इंक्लूड कर सकते हो, तो यही आपका डोमेन होगा। क्लियर है डोमेन? ऐसे क्वेश्चन का डोमेन निकाल लोगे। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, गलती मत करना, थोड़ा टर्न कर रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। चलो बच्चों इसका डोमेन और निकाल दो, फिर मैं मान लूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। अगर आप ये सब कर लेते हो इट मीन्स फिर आप इस टाइप के सब कर पाओगे। सर मैं एक मिनट में आता हूँ, घर पे भी कोई नहीं और गेट बेल भी नहीं है। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ।
निहाल तो वैसे कहीं स्पेस में घूम रहा है लगता है। और कह ऐसे रहा घर पे कोई नहीं है, इसको ऐसे बोलना चाहिए सर स्पेस शिप में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, पूरा मैंने ही मैनेज करना है। निहाल कभी हमें भी ले चला करो। सॉरी सर। कहीं कभी हमें भी ले चला करो अपने साथ स्पेस में। हो गया बेटा। यस सर। बताओ क्या आंसर किस किस का आया? दो बच्चों का, तीन का। हाँ प्रेत, मैंने आपको काउंट कर लिया बेटा, अंशिका को भी कर लिया मैंने, अंशिका हो गया काउंट, स्नाया को कर लिया मैंने। अंशिका अक्षिता आपस में डिस्कस नहीं करना, अंशिका नहीं सॉरी अक्षिता और इशिता आपस में डिस्कस नहीं करना। चलो नहीं आया अक्षिता, नहीं आया सर, आ गया सर, कंप्लीट हो गया। इशिता, इशिता आपका आया? यस सर। निहाल नहीं आया बेटा? सर एक मिनट में हो जाएगा। सर वैसे क्लास कब तक है? यस सर हो गया। 8:30 तक बेटा। चलो दिखाओ बेटा नोटबुक दिखाओ। कौन दिखा रहे हैं? अंशिका आप दिखाओ। यस बोलो। यस सर। ओके अक्षिता आप दिखाओ बेटा। यस अक्षिता। यस बोलो बेटा। जो नोटबुक दिखाता है पहले यस बोल के दिखाया करो, ठीक है ना? थोड़ा ऊपर करो बेटा, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, और थोड़ा पीछे भी, थोड़ा पीछे भी, पीछे इन द सेंस आप अपने फेस की साइड करो, मतलब बैक साइड में, कैमरा से पीछे बैक साइड, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा सा और ऊपर बेटे, हल्का सा और ऊपर, थोड़ा और कर दो बेटे, मैं थोड़ा सा और करना पड़ेगा बेटा। मैं कैमरा देखती हूँ। ऐसे 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 देखा करो, आप खुद भी देखा करो कि क्या आ रहा है आपके कैमरे पे। यस। हाँ थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है आगे चलो। हाँ ठीक है, ठीक है बेटे, ठीक है। और कौन दिखा रहा है जल्दी दिखाओ। सर मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ। ठीक है बेटे देख लिया मैंने, आगे चलो। सर मैं दिखाओ। हिरल दिखाओ बेटा। यस बोलो। ब्रेथ देख लिया मैंने आपका, आगे का फाइनल आंसर लिखो ब्रेथ। हिरल यस बोलो बेटा। यस सर। ओके कुछ बच्चों ने, ठीक है। कौन रह गया? निहाल रह गया। निहाल आप दिखाओ। हिरल देख लिया बेटा मैंने आपका। निहाल आप दिखाओ। निहाल जल्दी आ जाओ बेटा। यस सर। ओके चलो बच्चों, कुछ बच्चों ने गलत किया है, कुछ ने सही किया है। अंशिका आपने भी गलत किया बेटा, देखो जरा मेरा मेरे साथ मैच करो जिसका अलग है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। बच्चों यहाँ से इसके दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अंशिका किधर है? गलत है बेटा आपका। यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 5 एंड माइनस 5, वो तो माइनस 5 एंड 5। बच्चों यहाँ आना चाहिए आपका पॉजिटिव, यहाँ आना चाहिए नेगेटिव, यहाँ आना चाहिए पॉजिटिव।
तो मैंने साइंस ही लगाया, बट नीचे आंसर गलत लिख दिया। ठीक है, ये यहाँ तक सबका ठीक है। एक बच्चे के साइन गलत है, कौन बच्चा था वो अपने साइन नहीं करो। माइनस फाइव से लेकर इनफिनिटी तक नेगेटिव आ रहा है। माइनस फाइव से लेकर इनफिनिटी तक, माइनस फाइव से लेकर ट्राई कर लेते हैं। एक मिनट, माइनस सिक्स ले लो, माइनस सिक्स को यहाँ डाल, माइनस सिक्स माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स प्लस में फाइव, तो ये हो गया बेटा माइनस इलेवन, और ये हो गया माइनस का वन प्लस का इलेवन आया बेटा, पॉजिटिव आएगा। देख आपने कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया। यस सर, फिर एरर हो गया। बच्चों साइन ये आएंगे, अगर आपकी ये नहीं है तो ठीक कर लो ये, और इसको एक बार क्रॉस चेक करके देखना आप कि आपने क्या गलती की है। ऑल राइट, उसके बाद बच्चों हमें ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए, हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी चाहिए। तो फिर जीरो से बड़ी कहाँ है अंशिका, आपने यहाँ लिखते हुए गलत किया हुआ है, आपने ओनली फाइव टू इन्फिनिटी लिखा है। बच्चों आपको ये एक्सप्रेशन जीरो या जीरो से बड़ी चाहिए, जीरो से बड़ी कहाँ पर है, ये माइनस जहाँ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से फाइव के बीच में और फिर फाइव से इन्फिनिटी के बीच में, कहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव के बीच में। और क्योंकि ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो सकती है, तो जीरो के इक्वल कहाँ से होगी, ये माइनस फाइव पे जीरो के इक्वल होगी और फाइव पे भी जीरो के इक्वल होगी, तो हमें वो पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं। तो फाइव की साइड से हम क्लॉज इंटरवल लगाएंगे, यूनियन फाइव से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर होगा। मैंने कहा था मैं थोड़ा टर्न कर रहा हूँ, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप पुराने पैटर्न पे चलते रहे और माइनस फाइव से फाइव के बीच में लिख दिया कुछ बच्चों ने। ठीक है ना, ठीक करो इसको। चलो आगे, निहाल समझ आया बेटा? यस सर। ऑल राइट, चलो फिर मैं आगे, यहां तक नोट कर लिया ना सबने? साइना आपका कैसा था, सॉरी सन, साइना नहीं सर, सही था ये, सही था। ओके चलो एक क्वेश्चन और, नाम ठीक बोला ना मैंने, साइना ही ना? यस सर, साइन। एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चों, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन अपॉन में चला गया, ध्यान में ध्यान रखना बच्चों, वन अपॉन है ये। चलो एक बार इसको ट्राई करो बच्चों, अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है तो वही 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट जीरो के इक्वल भी नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे जीरो के इक्वल, क्यों नहीं लेंगे इसको, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर की वजह से इक्वल टू वाली कंडीशन रिमूव हो गई ये। ठीक है, एंड क्योंकि ये अंडर रूट में है तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, करो इसको सिंप्लीफाई जरा, बच्चों जैसे ही आप अपने पॉइंट फाइंड करते हो मेरे पॉइंट्स के साथ मैच करना है, गलत हो तो बताना क्या मिस्टेक आ रही है। साइना डोमेन क्या होगा इसका बेटा? सर मेरा माइनस फोर कॉमा फोर आया स्मॉल ब्रैकेट, विच ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ओके। अंशिका हुआ? यस सर, ये वो आंसर है जी। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ बेटा, बताता हूँ।
माइनस इनफिनिटी से ठीक है सर, माइनस में आ रहा है, वापस साइन आने चाहिए। आ गया, ब्रेथ हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए? हमें ये एक्सप्रेशन जीरो से बड़ी चाहिए, एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस फोर से फोर के बीच में होगा। और बच्चों यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं लगाना, क्योंकि माइनस फोर क्लोज इंटरवल का मतलब होगा कि माइनस फोर को हमने इंक्लूड कर लिया। माइनस फोर को अगर हम लेंगे तो हम एक्स को माइनस फोर लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो माइनस फोर को इंक्लूड नहीं करना, तो ओपन ब्रैकेट रखेंगे। ऐसे ही फोर को भी इंक्लूड नहीं करना, तो फोर की साइड से भी इंटरवल ओपन आएगा। तो ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जैसा क्वेश्चन हमारी उसमें था, बुक में था, उसी टाइप के क्वेश्चन थे सारे। थोड़े इससे मुश्किल भी बनाए जा सकते हैं, टाइम कम है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास अगर मुझे मिली तो कर लेंगे, नहीं तो फिर सर के साथ करना। बच्चों एक इस क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा, कौन बताएगा? डोमेन फाइंड करते हुए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बात कौन मेरी तरह बोल सकता है? डोमेन फाइंड करते हुए हम दो बातों का ध्यान रखते हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कौन बोल सकता है ऐसे? निहाल बोल के दिखाओ। निहाल? यस सर। कौन से समझोगे आप? सर मैं इसमें, मतलब मैंने बोला कि आप ये बोल के दिखाओ कि डिनोमिनेटर फाइंड करते हुए दो बातें ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका डोमेन कौन बता रहा है? डोमेन कौन बताएगा इसका? तो रियल नंबर्स होंगे वैसे सारे। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। तो रियल आपने अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया आगे कि रियल नंबर होंगे, मतलब हाँ रियल बताना चाहते हो बेटा? सर रियल नंबर जीरो। जीरो एक्सेप्ट क्यों, उसका रीजन दो बेटा। अक्षिता सर जीरो टू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। इशिता सर आई डोंट नो। साइना सर ऑल रियल नंबर्स। अंशिका सर ऑल रियल नंबर्स। All real number? All real numbers. Brilliant. Sir, same, all real numbers. तो जो minus infinity से plus infinity के बीच का कोई भी number यहाँ डालते हो तो यहाँ denominator नहीं है ना, तो denominator zero बनने का सवाल ही नहीं है। And यहाँ root भी नहीं है तो root के अंदर negative हो जाए ऐसा भी कोई problem नहीं है। हम minus infinity से plus infinity के बीच में कोई भी number, x को कोई भी number डालते हैं तो ना तो यहाँ denominator zero होने की problem है और न ही यहाँ पर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बनने की प्रॉब्लम है, क्योंकि अंडर रूट है ही नहीं भाई। अंडर रूट होता तो ये देखना पड़ता कि हमें ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बट यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं एंड यहाँ डिनोमिनेटर भी नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम भी हमारे पास नहीं है। फिर तो हम फ्री हैं, कुछ भी पुट करें एक्स को, राइट? सो एक्स कैन बी एनी रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एक बार माइनस या इसका डोमेन होगा। अच्छा बच्चों इसका डोमेन बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो माइनस इनफिनिटी टू जीरो। जीरो क्यों बेटा, आगे का क्यों नहीं? डोमेन का मतलब आप समझते हो ना, यार आप डोमेन का मतलब समझे नहीं। x को आप यहाँ क्या डाल सकते हो, क्या लिख सकते हो x को इस क्वेश्चन में, x की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? पुट करने का मतलब है कि जब आप इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन फाइनाइटली डिफाइंड होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। आपने बोला कि क्या बोला निहाल आपने? निहाल आपने क्या बोला? माइनस इनफिनिटी टू जीरो। अच्छा बेटा जीरो टू इनफिनिटी में आपको क्या दिक्कत आई वो बताओ।
बाहर नेगेटिव नहीं हो जाएगा बेटा? मतलब डोमेन का मतलब समझे हो आप क्या है? एक्स के जगह आप क्या लिख सकते हो, वो आंसर आएगा, वो तो रेंज होता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? सर फिर रियल नंबर मतलब कोई भी। एक्स को तो बेटा डोमेन देखते हुए तो आपको दो चीजें देखनी है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर यहाँ है ही नहीं, अंडर रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है, तो एक्स को आप यहाँ कुछ जो मर्जी डाल दो। जो एक्स की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में डालोगे वो डोमेन होती है, वो डालने के बाद कैलकुलेट होके जो आंसर आएगा वो रेंज होता है, ठीक है? तो डोमेन इज एनी रियल नंबर। निहाल आपको डोमेन रेंज थोड़ा क्लियर नहीं है बेटा। डोमेन इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर मतलब और आर माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी। माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ये आंसर आया आपका, ठीक है? एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन मॉड एक्स, इसका आंसर कौन बताएगा? ब्रियत आप बताओ। सर एक्स इक्वल्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, वेरी गुड। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो बच्चों, बट क्योंकि डिनोमिनेटर है जीरो नहीं हो सकता, तो डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। साइना इसका आंसर बताओ बेटा। सर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन, ठीक है ये ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। इसका डोमेन बताओ निहाल, आप बताओ इसका डोमेन। सर रियल नंबर, एनी रियल नंबर, इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इशिता इसका डोमेन बताओ। सर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, वेरी गुड। इसके लिए एक्स माइनस प्लस वन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। अक्षिता सर वो एक्स प्लस टू है माइनस टू है, ये एक्स प्लस टू है बेटा, तो फिर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस टू, ठीक है। चलो ये डोमेन रेंज के क्वेश्चन बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज की क्लास में, जितना भी काम हुआ है ये सारा रिपीट होमवर्क करना है एक बार, ठीक है? फर्स्ट वाला पीच ये मैंने भेजता हूँ। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? अच्छा पांचवे क्वेश्चन में हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन कर लिया आपने, सर ने करवा दिया आपको? फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों देखना एक बार, दो मिनट लगते हैं अभी तो। टू माइनस थ्री एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो,
इसका रेंज पता है किसी को? रेंज वैसे समझा दिया ना सर ने कैसे निकलता है, रेंज बच्चों सर ने समझा दिया? सर ने समझा दिया था लेकिन उन्होंने कहा कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने थे। अच्छा देखो बच्चों, जैसे हमने x को कोई वैल्यू डाली, इसमें x में आए, x को आप क्या डाल सकते हो यहाँ पर? डोमेन उन पॉइंट्स का सेट होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स जो हम x x के जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन में x की जो वैल्यू हम डाल सकते हैं उन पॉइंट्स का सेट क्या होता है? डोमेन। और जब उन पॉइंट्स के सेट को हम, उन सारे पॉइंट्स को हम x के लिए डालेंगे तो आंसर जो आएगा उन सारे पॉइंट्स का सेट, जो आंसर आएगा उन सारे पॉइंट्स का सेट, x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे ना, तो जो सारे आंसर आएंगे उनका फिर से सेट बना दिया जाए, वो जो सेट बनेगा वो होता है रेंज। रेंज इज आउटपुट, डोमेन इज इनपुट। आप x की जो वैल्यू डाल रहे हो वो इनपुट है, उसके बाद y की जो वैल्यू आएगी दैट इज आउटपुट, आउटपुट इज रेंज। आउटपुट का अगर सेट बना दिया जाए तो वो रेंज होगा, ठीक है। जैसे इसमें आप x को, अब हम अपनी तरफ से डोमेन देखते थे, इसका डोमेन क्या होना चाहिए था? इसका डोमेन होना चाहिए था ऑल रियल नंबर, बट क्वेश्चन ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x ग्रेटर देन जीरो रखना है सिर्फ। x को अगर ग्रेटर देन जीरो रखा जाए तो इसका रेंज बताओ, ठीक है। अब रेंज निकालने के बेटे बहुत कोई स्पेसिफिक मेथड हो रही होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं मेथड। इस पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है कि ये वैल्यू किससे किसके बीच में होगी, कहां से कहां तक ये वैल्यू वेरी करेगी। क्वेश्चन में दिया है कि x जीरो से बड़ा है। देखो अगर x जीरो से बड़ा हो तो बच्चों माइनस थ्री एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी या जीरो से बड़ी? माइनस थ्री एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी या जीरो से बड़ी? जीरो से छोटी। जीरो से छोटी क्योंकि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थ्री एक्स और इधर भी जीरो इंटू माइनस थ्री। बच्चों बोथ साइड अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। बोथ साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, करेक्ट। तो मैंने इनइक्वलिटी को रिवर्स कर दिया, तो यहां से आ गया माइनस थ्री एक्स इज लेस देन जीरो। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर टू ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टू लेफ्ट साइड में ऐड कर रहा हूँ तो राइट में भी टू ऐड कर देता हूँ, दोनों साइड टू ऐड करना। इनइक्वलिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि दोनों साइड कोई नंबर ऐड करते हो तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर बोथ साइड आपको इक्वल नंबर ऐड करते हो तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, करेक्ट। ऑलराइट बच्चों, तो यहां से एफ एक्स क्या आ गया, ये हमारा एफ एक्स है, टू माइनस थ्री एक्स इज लेस देन टू, सो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू। एफ एक्स की वैल्यू टू से स्मॉलर होगी। तो वो लेस देन इक्वल टू क्यों होगा? अच्छा इक्वल टू मैंने गलत लगा दिया बेटा, सिर्फ लेस देन था। एफ एक्स की वैल्यू आपकी टू से छोटी होगी, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू आपकी टू से छोटी रहेगी। टू से छोटी रहेगी का क्या मतलब है? टू से स्मॉलर रहेगी इसका क्या मतलब है? टू से छोटी रहेगी का मतलब बेटा ये सारा जीरो से बड़ा है, एफ एक्स तो जीरो से बड़ा नहीं है ना बेटा। अच्छा, जो आप यहाँ एक्स डालोगे वो जीरो से बड़ा है, ये तो नहीं कहा ना कि एफ एक्स जीरो से बड़ा है, वाई जीरो से बड़ा होगा ये तो नहीं बोला ना उन्होंने। उन्होंने बोला कि एक्स को जीरो से बड़ा रखना है, हमने भी रखा है उसको। उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड करनी है। उन्होंने एफ एक्स की वैल्यू के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, वो हमसे पूछा है। तो बच्चों टू को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि एफ एक्स टू से छोटा है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से टू। तो रेंज आपकी क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से टू, टू को इंक्लूड नहीं करना। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये है वन टू थ्री, ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, राइट। ये है वन फोर नाइन, ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसको किस में मैप कर रहा है, वन को, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
ठीक है, x को आप क्या लेंगे, x को आप लेंगे, x को आप माइनस वन लेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, x को आप माइनस वन लेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर यानी कि वन। बच्चों ये x है, दिस इज नॉट x, ये x नहीं है, ये y है, जो आंसर आएगा वो है रेंज है, ये और ये इक्वल इसकी कंडीशन है, वो x ग्रेटर देन जीरो इसकी कंडीशन है, इसकी नहीं है। ये क्या आएगा, वो तो अकॉर्डिंग टू दिस आएगा, राइट। एफ ऑफ माइनस टू लिया आपने, माइनस टू का स्क्वायर दैट इज फोर, वो तो इसके अकॉर्डिंग ये नंबर क्या आया, वो तो अपने आप से आता है। एफ ऑफ माइनस थ्री लिया आपने, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, वन फोर नाइन। अब अगर आपकी कंडीशन दी होती कि x लेस देन जीरो रखना है आपको, एफ एक्स की वैल्यू बताओ, तो वो तो 1490 से बड़ी आ रही है, हम इनके लिए हम कुछ थोड़े ना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने आप से आता है, और जो कंडीशन दी हुई थी वो x के लिए दी हुई थी, नॉट फॉर एफ एक्स। आपको x की वैल्यू दी हुई थी, आपको इसका आंसर निकालना है, एफ एक्स का आंसर निकालना है, ठीक है। तो डोमेन अलग होता है बच्चों, डोमेन लेफ्ट साइड के जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं, रेंज राइट साइड के जो पॉइंट्स हैं उनका सेट है। तो वो जो कंडीशन दी थी इस सेट के पॉइंट्स के लिए दी हुई थी, इनके लिए नहीं दी थी, करेक्ट। सो हमने लिया था x ग्रेटर देन जीरो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स इज लेस देन जीरो हो गया था, दोनों साइड इसमें टू ऐड किया, ऐड करने से इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो जीरो प्लस टू इधर टू हो जाएगा, यही हमारा एफ एक्स है। सो एफ एक्स आ गया जीरो, टू से छोटा, टू से छोटा मतलब एफ एक्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी से टू इसकी वैल्यू होगी, टू नहीं हो सकता, टू की साइड से ओपन होगा, इन्फिनिटी की साइड से भी ओपन होगा, करेक्ट। इस फंक्शन का रेंज बता सकते हो आप, कि आप इसमें एक्स को पहले तो डोमेन बताओ, डोमेन कौन बता सकता है, एनी रियल नंबर, ना ही डिनोमिनेटर है और ना ही क्या है, इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है और अंडर रूट भी नहीं है, तो डोमेन होगा एनी रियल नंबर, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी कुछ भी डाल सकते हो आप। अब आपने इसमें एक्स को माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी कुछ भी डाला, तो बच्चों यहाँ डालने से उसका होल स्क्वायर होगा, वो तो पॉजिटिव बन जाएगा हमेशा, तो एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा आपका जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। एक्स को आप कुछ भी डालोगे, एक्स स्क्वायर तो उसको पॉजिटिव बना देगा, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, आपने माइनस वन डाला तब भी वन बन जाना है, आपने वन डाला तो वन रहना ही है, माइनस टू डाला तो फोर हो जाना है, टू डालोगे तो फोर होगा ही, राइट। आप एक्स को कुछ भी डालोगे ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि ये जीरो या जीरो से बड़ा आएगा एक्स स्क्वायर हमेशा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या होगा, बोथ साइड इसमें टू ऐड कर दो, बोथ साइड इसमें टू ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यानी कि यही हमारा एफ एक्स है ना, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, करेक्ट। एफ एक्स हमारा क्या है, टू से बड़ा, एफ एक्स हमारा टू से बड़ा है, दिस इज टू, दिस इज माइनस इनफिनिटी, ये प्लस इनफिनिटी है, एफ एक्स हमारा टू से बड़ा है और टू के इक्वल भी हो सकता है, एफ एक्स टू के इक्वल भी हो सकता है और टू से बड़ा भी हो सकता है, तो रेंज क्या आएगी, जो एफ एक्स का आंसर या वाई का आंसर आता है बच्चों वो रेंज होता है, तो रेंज आपकी आएगी टू टू इन्फिनिटी, टू भी हो सकता है, इसलिए टू की साइड से क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी की साइड से ओपन इंटरवल, ठीक है। निहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका डोमेन बताओ निहाल। सर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, क्यों डिनोमिनेटर भी नहीं है अंडर रूट भी नहीं है, केरल yes. इसकी रेंज बता बेटा। सर रियल नंबर, जो हम देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा है, जो एक्स को डालोगे वही एफ एक्स का आंसर आएगा, आपने एक्स को वन डाला तो एफ एक्स की वैल्यू वन आएगी, एक्स को आपने माइनस वन डाला तो एक्स की जगह माइनस वन लिखेंगे, माइनस वन आएगा, टू डालोगे टू आएगा, जो डालोगे वही आंसर आएगा, डाल क्या रहे हैं, एनी रियल नंबर, डोमेन, तो रेंज क्या आएगा, रेंज भी क्या आएगा, एनी रियल नंबर, करेक्ट। बच्चों मोटा मोटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, बाकी रेंज के ऊपर एक घंटा और लगेगा, तो या तो सर लगा देंगे नहीं तो मैं लगा दूंगा, जो भी क्लास नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है।
रेंज आपको थोड़ी सी और डिटेल में सिखानी है। तो रेंज को माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी नहीं कर सकते? रेंज को माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, हाँ बेटा ऑल रियल नंबर का वही मतलब होता है, कह सकते okay, सर। ऑल रियल नंबर का है या माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी का, बहुत सारे सेम थिंग कह सकते हो आप। ठीक है बच्चों इसको एक बार रिपीट कर लेना सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? हाँ मैं अभी भेज देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा क्योंकि मैं भूलता बहुत हूँ। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।